नमस्ते किसान भाइयो, जैविक खेती गाय पालन चैनल में आपका स्वागत है। आप मैं आपका दोस्त अनिल कुमार प्रजापत चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम आपको नए चैप्टर के साथ आए हैं, जिसमें आज हम आपको पुरानी प्लास्टिक की बोतल की मदद से लेटिस ग्रीन और रोमन कैसे लगाते हैं। इस प्रकार से आपको 2 लीटर का जार लेना और इस प्रकार से आपको काट कर उसको फिक्स करना है। नीचे की तरफ आपको शोल्डर की मदद से छेद करने और वर्मी कंपोस्ट को कोकोपीट का पात करना तैयार करना है। इसके अंदर कुछ मात्रा में इसमें प्राम डालना है ताकि न्यूट्रिशन वैल्यू बढ़िया मिले पौधे को। और इस प्रकार से आपको इसको चारों तरफ से कवर करना है और इसके साइड के छेदों में इस प्रकार से आपको लगाना है। इस प्रकार से आप इसमें लेटिस रोमन लगाइए साइड में और इसमें बीच की तरफ आपको लेटिस रेड लगाना है। लेटिस रेड लगाने के बाद में इस प्रकार से आपको हुक लगाने और उन हुकों के अंदर रखना और इस प्रकार से आपको एक बोतल ले लिया और बोतल पाइप की मदद से आप इस प्रकार से इसको पाइप को काटिए और इसके अंदर सोल्ड कर दीजिए। सोल्ड करने के बाद में चारों तरफ से इसको पैक कर दीजिए और इस प्रकार से आप बोतल लीजिए। इसको नीचे की तरफ से इस प्रकार से आप काटिए और इस प्रकार से इसको ढक्कन को बंद कर दीजिए और ऊपर की तरफ इस प्रकार से आपको स्टैंड पे इसको लगा दीजिए और इस प्रकार से इसमें पानी दीजिए। इसमें बूंद बूंद पानी आएगा ड्रिप सिस्टम के लिए, जैसे अपन ड्रिप सिस्टम लगाते हैं वैसे। इस प्रकार से 7 से 8 दिन बाद में इसमें थोड़ा ऑर्गेनिक मैन्यूर आप डालिए, इसमें NPK डालिए कुछ मात्रा में। 25 से 30 दिन बाद में आप देख सकते हैं दोनों ही हमारे सलादी पौधे बड़े तैयार हो गए। और इसमें कुछ मात्रा में आपको फिर थोड़ा ऑर्गेनिक मेनू डालिए और प्रॉपर तरीके से इसमें पानी डालते रहिए। 30 से 35 दिन बाद में आप देखेंगे स्थिति बढ़िया है और इसमें सलाद हार्वेस्टिंग लायक हो गई है। अभी इसमें हम हार्वेस्टिंग कर लेंगे और ये आपको सर्दियों में लगानी है। सर्दियों में लगाने वाले सलाद पत्ता इस प्रकार से आप सैलेड के रूम में इसमें काम में ले सकते हो और बढ़िया ग्रोथ करेगी। द्वारा दी जानकारी आपको बढ़िया लगी होगी। चैनल पर नहीं हो तो चैनल प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर। मिलते हैं ऐसे वीडियो, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।